हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग नोट सिंग्स। हम कॉलम एंड स्ट्रट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि एंड कंडीशन क्या होता है, कॉलम क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है, उसके साइन कन्वेंशन पढ़ा हमने, एंड कंडीशन क्या क्या होते हैं वो पढ़ा। उसके बाद हमने दो एंड कंडीशन, उसके बाद हमने पार्ट टू में बोथ एंड ऑफ कॉलम आर हिंज्ड और वन एंड हिंज्ड और कॉलम फिक्स्ड, ये दोनों एंड कंडीशन पढ़ा। और नाउ दिस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी का बचा हुआ, दो एंड कंडीशन और लिमिटेशन ऑफ यूलर्स कॉलम थ्योरी और स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो और एक और टॉपिक हमारा सीबीसीएस पैटर्न के सबसे रह जाएगा, स्ट्रेस, दैट इज़ द क्रिपलिंग स्ट्रेस। ओके, इजी टॉपिक है, मैं ये 30 मिनट के अंदर ये लगभग ख़त्म कर दूंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। That is my one end are fixed and other end are hinged. Means one end हमारा fix होगा, other end हमारा जो होगा वो hinged होगा। ठीक है, ये हमारा one end क्या हुआ, एक मिनट। इसे start करने से पहले हम start करते हैं, पहले both end of column are fixed, उसके बाद last topic हम वो देखेंगे। तो both end हमारा जब fix होगा, ये end fix है हमारा, ये भी end fix है हमारा, ये हमारा स्ट्रेट कॉलम पहले स्ट्रेट होगा। आप दोनों तरफ से क्रिपलिंग लोड लगा रहे हो, दोनों तरफ से क्रिपलिंग लोड लगा रहे हो, क्या होगा आपका जो ये जो बीम है, ये जो बार है, इस शेप में थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा, होगा डिफ्लेक्शन। तो हम लेट ले रहे हैं कि हमारा जो लेंथ है मेंबर का एल है, लेंथ क्या है मेंबर का एल है, पॉइंट ए पे हमारा लेट इज़ द पॉइंट ए, डेट इज़ द पॉइंट बी एक्स जीरो जीरो, डेट इज़ एक्स एल एंड वाई ज़ीरो, ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट होगा इसका। क्रिपलिंग लोड लगा है पॉइंट ए पॉइंट बी पे, हम मान ले रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे, हम ए से एक्स डिस्टेंस पे हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा उसका डिस्टेंस वाई डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से अगर एक चीज़ इसमें गौर करने वाली बात ये है, हमारे दोनों एंड फिक्स हैं, दोनों एंड फिक्स हैं और हम लोड लगा रहे हैं, मीन्स हमारा वहाँ एक स्ट्रेस और एक मूवमेंट पैदा हो रहा है, डैट इज़ द, ये हमारा मूवमेंट बैलेंस करेगा, ये हमारा इधर की ओर डिफ्लेक्शन हो रहा है, देयरफॉर यहाँ पे हमारा एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा, डैट इज एम नॉट, हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा। और नीचे की ओर कहाँ लगेगा, एक ही तरफ, ये बाहर की तरफ जा रहा है, हम भी यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएंगे। ओके, क्यों हमने एंटी क्लॉक लगाया और यहाँ क्लॉक लगाया, क्यों, हमारा ये जो बीम ए से अगर आप देखोगे यहाँ से, ये बीम हमारा बाहर की ओर जा रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए अंदर की ओर हमारा एक फोर्स लगेगा, डेट इज द बेंडिंग मूवमेंट एम नॉट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, देन वी हैव स्टार्ट, फर्स्ट यू हैव कंडक्ट वाई, डेट इज डिफ्लेक्शन एट सेक्शन एक्स पे। ओके, एम नॉट इज द फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए एंड बी, ए में भी लग रहा है, बी पे भी हमारा लग रहा है, तो मूवमेंट ऑफ सेक्शन, तो हमारा जो मूवमेंट का क्वेश्चन होगा क्या हो जाएगा, देन मूवमेंट एट द सेक्शन एक्स सेक्शन पे हमारा मूवमेंट क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एम नॉट हमारा फिक्स एंड मूवमेंट माइनस पी इंटू वाई, माइनस क्यू साइन लगा क्योंकि ये अंदर की ओर हमारा जो इसका साइन कन्वेंशन इस बीम का होता है, इस बीम का साइन कन्वेंशन जो होता है ये हमारा नेगेटिव साइन कन्वेंशन होता है, इस बीम के लिए नेगेटिव होता है, देयरफॉर हमने माइनस पी डॉट वाई लिया, मूवमेंट एक हमारा लग रहा है, मूवमेंट हमारा लग रहा है, तो हमने ए बी पे एक्स डायरेक्शन पे हमने देखा, एक्स डायरेक्शन पे हमारा मूवमेंट पे एंटी क्लॉक है, दैट इज एम नॉट माइनस पी आई, दैट इज पी इज अ लोड एंड वाई इज माई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये और हम जानते हैं, बट हमारा मूवमेंट का बेंडिंग मूवमेंट का क्वेश्चन होता है ई आई टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, इक्वेट बोथ टू इक्वेशंस, आप इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दैट इज ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट p माइनस पी इंटू वाई, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा m नॉट, मैम इसे यहाँ इधर ले आता हूँ,
इज एम नॉट। ओके ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में से चेंज कर देना है, देयरफॉर हम इसे ई वाई से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन ई आई। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा इसका, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, हमारा इसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी वन, दैट इज वाई, ओके y इज इक्वल टू सी वन कॉस पी रूट पी अपॉन ई आई प्लस सी टू साइन पी अपॉन रूट पी अपॉन ई आई, ओके प्लस एम नॉट अपॉन पी। ठीक है, ये हुआ हमारा थर्ड इक्वेशन। एम नॉट अपॉन पी कैसे हुआ, मैं आपको यहाँ पे एक और इसका इसको और डिफाइन करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्या किया हमने, एम नॉट अपॉन पी पी को दोनों तरफ इंटू पी को डिवाइड और इंटू किया, तो मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को, एम नॉट अपॉन पी और इंटू पी अपॉन ई आई, पी पी कट जाएगा, हमारा एम नॉट अपॉन ई आई बच जाएगा। ये हमने करना जरूरी था डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, हमने यहाँ पुट कर दिया, यही हमारा हुआ है ना इक्वेशन थ्री, ये हमारा हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एट पॉइंट ए पे, x जीरो है y जीरो है हमारा, x और y जीरो जीरो दोनों वैल्यू पुट करोगे आप इक्वेशन वन में, तो x जीरो पुट करोगे तो होल वैल्यू जीरो, x वैल्यू पुट करोगे तो होल वैल्यू जीरो, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा क्या, जीरो इक्वल टू सी वन कॉस जीरो प्लस सी टू साइन जीरो प्लस एम नॉट अपॉन पी, और जीरो इक्वल टू सी वन ये कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो हमारा सी वन बच गया, कॉस साइन जीरो इक्वल टू जीरो, डेट इज साइन जीरो इक्वल टू जीरो होता है तो होल टर्म जीरो कट गया एम नॉट, देयरफॉर सी वन इक्वल टू माइनस एम नॉट अपॉन पी हो जाएगा। नाउ एट पॉइंट ए पे एक्स जीरो है हमारा और डी वाई अपन एक्स हमारा जीरो, ठीक है, और डी वाई अपन डी एस डिफ्लेक्शन भी जीरो है। तो ये काम करते हैं इक्वेशन थ्री को, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन थ्री को, ओके जो आप एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, सी वन का वैसे ही रहेगा माइनस कॉस था तो साइन हो गया हमारा, पी अपॉन ई आई ऐसे ही रहेगा, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका हो जाएगा पी अपॉन ई आई, ओके ये हमारा एक हो गया, प्लस सी टू साइन था तो कॉस हो जाएगा, ये हमारा सेम वैसे ही रहेगा, इंटू एक्स रूट पी अपॉन ई आई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो पी अपॉन ई आई हो जाएगा, ओके और लास्ट में हमारा जो टर्म है एम नॉट अपॉन पी डेट इज़ जीरो हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारा इक्वेशन आएगा वो आएगा आपका माइनस सी वन रूट पी अपॉन ई आई साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस सी टू पी अपॉन ई आई कॉस एक्स रूट पी अपॉन ई आई होगा हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन को हम ले लेते हैं एक नाम, इसको एक नंबरिंग कर देते हैं, डेट इज़ माय फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। अब जो आपकी वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, जब आप ये इक्वेशन फाइव में पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स जीरो और डी वाई अपॉन डी एक्स आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, और माइनस सी वन और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन जीरो डेट इज होल टर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होल टर्म जीरो हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट जीरो लिख लेते हैं, ये होल टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, प्लस सी टू ठीक रूट पी अपॉन ई आई होगा, और कॉस एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो जीरो, तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन डेट इज वन, देयरफॉर हमारा जो सी टू आएगा वो कितना आएगा, जीरो, पहला तो सी टू हमारे एक जीरो के लिए, दो इक्वेशन एक सी टू जीरो होगा और दूसरा क्या होगा, रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू जीरो होगा, क्या होगा इससे सी टू हमारा जीरो होगा और रूट पी अपॉन ई आई भी हमारा जीरो होगा, ठीक है, सी टू को यहाँ रखो, पी आई अपन पी आई रूट पी अपॉन ई आई को जीरो बेस में भेजो, देयरफॉर सी टू इक्वल टू जीरो, और इसको रखो सी टू को बेस के फॉर्म में, देयरफॉर रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा हो जाएगा।
लेकिन हम जान बट फॉर अ गिवन क्रिपलिंग लोड, हमारा क्रिपलिंग लोड पी लग रहा है, द वैल्यू देयर फॉर द वैल्यू ऑफ पी अपॉन ई आई जीरो हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा भैया, आप लोड लगाए हो और आपका चेंज नहीं हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, डिफ्लेक्शन ना हो, कैसे हो सकता है ऐसा? इसलिए हमारा इक्वेशन गलत है, देयर फॉर सी टू इज इक्वल टू जीरो हम कंसिडर करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट, क्या करना है अब? नाउ अब क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट सी वन की वैल्यू जो हमारे एम नॉट अपॉन पी आई थी ये, और सी टू की वैल्यू जो हमारे जीरो जीरो आया, इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर आपके इसमें इक्वेशन थ्री में, इन इक्वेशन थ्री आपका जो वाई आया था दैट इज सी वन कॉस एक्स रूट पी अपॉन ए आई प्लस सी टू कॉस साइन एक्स रूट पी अपॉन ए आई प्लस एम नॉट अपॉन पी, उस इक्वेशन में आप जब एक्स सी वन और सी टू की वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आएगा इक्वेशन बनेगा, वाई इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन पी, ये सी वन का वैल्यू, कॉस एक्स की जगह एक्स रूट पी अपॉन ई आई हो गया, प्लस अगर जब आप सी टू जीरो पुट करें तो होल टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या एम नॉट अपॉन पी, ये हमारा ऐसे बचेगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन दे फॉर वाई इज इक्वल टू माइनस एम नॉट अपॉन पी कॉस एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस एम नॉट अपॉन पी, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसको आप नाम दे दो छः, नाम देते जाओ कोई दिक्कत नहीं, आगे हटा देना जरूरत पड़ा तो, ठीक नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं भैया। नाउ एट बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या करना है, एट बी पॉइंट पे x इज इक्वल टू एल होगा और y इज इक्वल टू जीरो होगा हमारा बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इसका लेंथ l है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा x l y जीरो, y तो वही रहेगा हमारा जीरो। तो आप क्या करो, x l जो और y जीरो आया है, इसको आप इक्वेशन जो सिक्स आया इसमें पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन सिक्स में आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, वाई की जगह जीरो माइनस एम नॉट अपॉन पी ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स की जगह जीरो पुट कर दो तो होल टर्म जीरो हो जाएगा ये, प्लस एम नॉट अपॉन पी ऐसे ही रहेगा हमारा, ठीक है, सही है। एक मिनट, यहाँ एक प्रॉब्लम गलत हुई है, वाई इज इक्वल टू जीरो होगा हमारा, होगा नाउ एम नॉट अपॉन पी, सिमिलरली हमने x की वैल्यू l है ना भाई, तो ये हमारा cos cos l रूट पी अपॉन ई आई प्लस एम नॉट अपॉन पी, ये हमारा होगा, होगा, देयरफॉर एम नॉट अपॉन पी cos l अपॉन रूट ई आई प्लस इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन पी, ये माइनस में था मैंने इसे इधर भेज दिया, ये प्लस में हो गया, हो गया, ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब क्या करना है, एम नॉट अपॉन पी है, एम नॉट अपॉन पी है, कट जाएगा दोनों, बचेगा क्या हमारा कॉस एल पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू वन, तो हमारा कॉस थीटा दैट इज द थीटा वैल्यू, मैं इसको मान ले रहा कॉस थीटा वन कब होगा, कब कब होगा, जब हमारा कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या क्या होगी, कॉस की वैल्यू हमारी दैट इज कॉस जीरो होना चाहिए, ओके कॉस जीरो होना चाहिए, कॉस आपका टू पाई होना चाहिए, कॉस आपका फोर पाई होना चाहिए, कॉस सिक्स पाई, ये सब जगह पे कॉस की वैल्यू हमारी वन, थीटा की वैल्यू हमारी वन होती है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, एल रूट पी अपॉन ई आई को हम सबसे लीस्ट वैल्यू पुट करेंगे, द लीस्ट वैल्यू क्या होगा हमारा टू पाई होगा, तो हम इसको टू पाई पुट करते हैं, ओके तो जब आप तो एल क्या है हमारा, क्या एल पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू लिस्ट वैल्यू, जीरो था, टू पाई था, फोर पाई था, सिक्स पाई था, इस था, तो जब हम टेकिंग लिस्ट वैल्यू जब टेक करेंगे तो हमारा ई आई इज इक्वल टू टू पाई, सबसे लिस्ट वैल्यू ही हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली टेकिंग लिस्ट वैल्यू, ओके ये हो गया। देयरफॉर अगर आप इसे ऐसे लिखो पी अपॉन ई आई, ये टू पाई अपॉन एल हो जाएगा, और रूट है तो होल स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर, ई आई चला गया उधर और यहाँ बच गया एल स्क्वायर,
ये हमारा क्रिपलिंग लोड हो गया। एल इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/2 होगा तब तो जब इसको स्क्वायर करो तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 देयर फॉर 4 ऊपर चला गया तो ये 1/2। ओके ठीक है, वन अपॉन टू डेट इज एल अपॉन टू होगा ना, तब तो होगा एल स्क्वायर अपॉन फोर, तो फोर ऊपर चला गया, ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया इसके लिए। ओके और ये हमारा एंड कंडीशन का लास्ट पार्ट है, डेट इज वन एंड आर फिक्स, मीन्स वन एंड हमारा फिक्स है और अदर एंड हमारा हिंज्ड है। तो क्या मान लीजिए इसका लेंथ हमारा एल है, बीम का लेंथ इसका एक्स डिस्टेंस पे, हम वाई ए पोजिशन ए से, ये पोजिशन है, ये पोजिशन बी, ए से एक्स डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन हमारा वाई हो रहा है, वाई डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एंड फिक्स है और ये हमारा हिंज्ड है, देयरफॉर एक आपका देयर विल बी अ फिक्स्ड एंड मूवमेंट एम नॉट एट द फिक्स एंड ई एंड ए, एंड ए पे हमारा फिक्स एंड मूवमेंट भी होगा, डेट इज़ इन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कैसे, ये हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, इसको रोकने के लिए इंटीरियर लगेगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन डेट इज़ एम नॉट, ठीक है। देयरफॉर वाई क्या है हमारा डिफ्लेक्शन, वाई क्या है डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ओके तो एक आपका क्रिपलिंग लोड, मैं यहाँ पे एक्चुअली लोड दिखाना छूट गया, लोड पी, ये भी आपका लोड पी यहाँ लग रहा है, ठीक है। यहाँ एक हॉरिजेंटल रिएक्शन एक और लगेगा, हॉरिजेंटल रिएक्शन लगेगा जो फिक्स आपका जो फिक्स मूवमेंट है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारा फिक्स मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, और फिक्स मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए एक हमारा हॉरिजेंटल रिएक्शन लग रहा है, हॉरिजेंटल रिएक्शन एच हमारा है टॉप एट बी पे लग रहा है। ओके तो हमारा ये वाई डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलम एट सेक्शन, एम नॉट इज द फिक्स्ड एंड मूवमेंट एंड एच इज द हॉरिजेंटल रिएक्शन एट बी, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो द मूवमेंट एट दिस सेक्शन, क्या हमारा मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट एट दिस सेक्शन इज इक्वल टू मूवमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड, मूवमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड के थ्रू जो मूवमेंट लग रहा है वो, प्लस मूवमेंट ड्यू टू हॉरिजेंटल एट बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कर्व बना रहा है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ये पी अपॉन वाई होना चाहिए हमारा मूवमेंट का, पी इंटू वाई लोड अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके और माइनस साइन है क्योंकि ये बीम हमारा इस कर्व अंदर की तरफ मुड़ रहा है, दैट इज़ पी वाई, ओके प्लस हॉरिजेंटल हमारा लग रहा है, हॉरिजेंटल रिएक्शन एच अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल एल है हमको इतना चाहिए डिफ्लेक्शन जहाँ वहाँ तक का देखना है ना, टोटल एल में से एक्स माइनस कर देंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज़ एल माइनस एक्स, एच इज़ अ लोड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लोड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल माइनस एक्स, हो गया ये। अब क्या करना, और हम जानते हैं बट मूवमेंट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ई आई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी होता है, दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करके लिखता हूँ, ई आई को सबसे डिवाइड कर दिया, सॉरी ई आई को सबसे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस में आएगा तो पी अपॉन ई आई डॉट वाई इज इक्वल टू एच अपॉन ई आई एल माइनस एक्स, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पी इंटू पी डिवाइड कर देंगे तो एच अपॉन पी एल माइनस एक्स इंटू पी अपॉन ई आई कर दिया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस, क्या हो जाएगा हमारा सी वन कॉस
एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस सी टू एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस हमारा एच एल माइनस एक्स अपॉन पी, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर वन, इसे नाम दे देते हैं, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ए वन आ गया। नाउ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे क्या होगा? एट पॉइंट ए जब एक्स हमारा जीरो होगा और वाई हमारा जीरो होगा, एक्स जीरो हुआ वाई जीरो हुआ, इसको आप यहाँ पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कीजिए और वाई की वैल्यू जीरो पुट कीजिए, तो आपका जो फाइनल जो आंसर आएगा डेट इज़ जीरो इज इक्वल टू सी वन कॉस जीरो प्लस सी टू साइन जीरो प्लस एच पी एल माइनस एक्स। वाई की जगह जीरो पुट किया, यहाँ एक्स की जगह जीरो पुट किया तो होल टर्म जीरो हो गया, देयरफॉर सी वन कॉस जीरो और सी टू, ये होल टर्म एक्चुअली यहाँ पे साइन छूट गया, ओके अब सही है, सी टू साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई, तो सी टू साइन जीरो हो गया प्लस एच पी एल माइनस एक्स, एक्स यहाँ भी जीरो पुट होगा ना, देयरफॉर ये हमारा होल टर्म एल बचेगा, सिर्फ एल बचेगा, ओके। देयरफॉर हमारा जो सी वन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एच अपॉन पी इंटू एल हो जाएगा, मानते हो ना, ये कॉस जीरो साइन जीरो जीरो होल टर्म हो जाएगा जीरो, तो ये कट गया, कॉस जीरो वन डेट इज सी वन बचा और ये बचा, तो सी वन इज इक्वल टू ये इधर चल जाएगा, तो माइनस एच अपॉन पी एल हो गया हमारा। अब क्या करो, नाउ सिमिलरली जैसे पहले किया था एट